जेक मेरी बात सुन लो, जेक 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 मेरी बात नहीं सुन रहा, वो बोल था। जब मैं इसको लेकर निकला तो इसने बहुत शोर मचाया पीछे। फिलहाल मैं इनको यहाँ पर शिफ्ट करता हूँ और 45 डेज में मैं तकरीबन फर्स्ट शॉट कर देता हूँ वैक्सीन का। तो इसको हम वैक्सीन करते हैं पहले, उसके बाद फिर हम सब कट इंजेक्शन देंगे। और हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ असद ब्रोही और असद ब्रोही व्लॉग्स में खुश आमदीद। व्यूवर्स, आज मेरा प्रोग्राम था वैक्सीन लेने के लिए जाना था मुझे, और मैं जैसे ही घर से निकला तो ये जो है कि जैक मेरे गेट पे मेरा इंतज़ार कर रहा था और उसने कहा मैं तो तुम्हें नहीं जाने देने वाला। आज 2 से 3 दिन हो गए तुम दूसरे डॉग्स को लेकर जा रहे हो साथ अपने और अकेले जा रहे हो, और आज मैंने आपके साथ जाना है। और जब से मैं इसको लेकर आया हूँ ये इस तरह बैठा हुआ है, बस खिड़की के पास इस तरह बैठा हुआ है, ना बात कर रहा है ना क्या, इस तरह बैठा हुआ है। मुझे सिर्फ़ और सिर्फ बाहर सैर व तफरीह करनी है, और इसको मैं ये मैं इसको जो है ना कि चिप्स खिला चुका हूँ, और जो है ना कि उसके बाद मैं बोल रहा हूँ जेक मेरी बात सुन लो, जेक 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 मेरी बात नहीं सुन रहा, वो बोल रहा है मुझे सिर्फ और सिर्फ इंजॉय करना है। तो इसको मैं लेकर जा रहा हूँ साथ, और मैं जो है वैक्सीन वगैरह लूँगा और इसको साथ रखूँगा, इसको बाहर की सैर व तफरी कराऊँगा। लेकिन इसको नाराज़ तो मुझसे नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं इसको लेकर आया हूँ और उसने आज ही मुझे बुलाया है, अपने जज्बात का आज इजहार किया है कि तुम मुझे नहीं लेकर जा रहे बाहर बहुत दिनों से, आज इसने मुझे महसूस कराया है। यकीन करें गेट पे ऐसे बैठा हुआ था कि मुझे लगा कि यार ये मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ है। तो मैंने कहा नहीं, आज तो मैं तुम्हें लाजमी लेकर जाऊँगा। तो इसको मैं लेकर निकला हूँ, चले इन्जॉय करते हैं सफ़र को और मज़ीद वैक्सीन लेंगे आज हम। वैक्सीन लेने के बाद मेरे पास 2 डॉग्स हैं, उनको मैं वैक्सीन करूँगा, तो वैक्सीन लेने जा रहा था। वैक्सीन लेने के बाद जो है कि वहाँ से मुझे जो है कि एक मेरी चुहावा की जो फीमेल है वहाँ पर वो मेट हो गई है, तो उसको मुझे ब्रीडिंग सेक्शन में शिफ्ट करना है, उसको मैं शिफ्ट भी करूँगा ब्रीडिंग सेक्शन में। तो चलें जी, चलते हैं अपने सफ़र के जा। जी फ्रेंड्स, तो इन दोनों शरारतियों को मैंने पिक कर लिया है। असल में मैं सिर्फ फ़ीमेल लेकर आना चाह रहा था, लेकिन ये दोनों बहुत अटैच है आपस में, तो मेल जो है बहुत ज़्यादा शोर कर रहा था, तो मैंने सोचा चलो दोनों को ही लेकर जाता हूँ। क्योंकि जहाँ पर मैं ब्रीड करवाता हूँ वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो फीमेल प्रेग्नेंट होती है और ब्रीड करने वाली होती है तो उसी को ही लेकर जाता हूँ। लेकिन यहाँ पर ये ज़रा जो है ना कि बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा था। जब मैं इसको लेकर निकला तो इसने बहुत शोर मचाया पीछे, तो मैंने कहा चलो भाई तुम भी चलो साथ, तो इसको भी मैं साथ लेकर आया हूँ। और इनको लेकर चलते हैं वहाँ ब्रीडिंग सेक्शन में, वहाँ पर शिफ्ट करते हैं और वैक्सीन करते हैं डॉग्स को। चलें यूएस। तो हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर, और ये दोनों बहुत शरारती हैं, इनके साइज़ पे मत जाइएगा, और ये इनकी मैं जितना आपको जो है ना कि बताऊँ शरारतें उतनी कम होंगी। तो फ़िलहाल मैं जो है कि इनको ड्रॉप करता हूँ इस केज में, ये इनका नया घर है और यहीं पे ये फ़िलहाल रहेंगे जब तक ये फ़ीमेल ब्रीड कर लेती है। ब्रीड के बाद फिर हम इसको अपने बड़े फार्म पर शिफ्ट करेंगे। तो ये मेरा एक तरीक़ेकार होता है, वक्ता वक्ता आपको दिखाता रहूँगा कि मैं ब्रीड कहीं और कराता हूँ और वैसे कहीं और रहते हैं मेरे डॉग्स। तो फ़िलहाल मैं इनको यहाँ पर शिफ्ट करता हूँ, और शिफ्ट करने के बाद हम करेंगे वैक्सीन जो कि मुझे करनी थी एक पपी को,
और जो मैं लेने गया था वैक्सीन, तो पहले मैं पपी को वैक्सीन करता हूँ, उसके बाद जो 6 मंथ वाली फीमेल है उनको वैक्सीन करता हूँ, और चलें चल के वो देखते हैं। जी व्यूअर्स, तो ये पिटबुल की फीमेल पपी है, 45 डेज़ की है, और इसको आज हम वैक्सीन करेंगे। इसको फर्स्ट शॉट होगा वैक्सीन का, और बायोकेन पपी की वैक्सीन करेंगे हम इसको। तो 45 डेज़ में मैं तकरीबन फर्स्ट शॉट कर देता हूँ वैक्सीन का, तो इसको हम वैक्सीन करते हैं पहले, उसके बाद फिर हम मेरे पास दो और फीमेल हैं, एक लेब्राडोर की फ़ीमेल है तकरीबन 6 मंथ की, और एक जर्मन शेपर्ड की फ़ीमेल है वो भी 6 मंथ की है, तो उन दोनों को जो है हम बायोकेन एलआर का वैक्सीन करेंगे पहले इसको करते हैं। पकड़ें व्यूअर्स, तो ये वैक्सीन भी मैं आपको दिखाता जाऊँ, ये मैं भी लेकर आया हूँ, और ये इस तरह आती है। कभी भी आप कहीं से भी वैक्सीन लेते हैं तो उसको अच्छे तरीके से बर्फ़ में पैक करवा के लाएं, क्योंकि इसका टेम्परेचर मेंटेन रहे, ऐसा ना हो कि आप अगर इसको जो है नॉर्मल वैसे लेकर आएंगे तो ये वैक्सीन ख़राब हो जाएगी, अगर बगैर बर्फ़ के लेकर आएंगे तो। आप इसमें बर्फ़ इतनी रखें कि आप घर तक सुकून से पहुँच जाएँ। तो हम इसमें से ये बायोकेन पपी है और ये भी बायोकेन पपी है जी, तो मैं चाहूँगा कैमरा मैन थोड़ा सा करीब आकर और ये दिखाए वैक्सीन। ये दो ये जो है नज़र आ रही है सही तरीके से जी व्यूअर्स, ये देखें ये वैक्सीन है, और ये एक लिक्विड आता है इसमें और एक ये पाउडर आता है बायोकेन पपी में। तो ये दोनों अब मैं ये लिक्विड लेकर इस पाउडर में मिक्स करूँगा, मैं आपको दिखाता हूँ, और ये कैमरामैन ये दिखाता रहे। ये सिरिंज ली, और ये जो है हमने वैक्सीन का जो लिक्विड है ये सिरिंज में लिया, और ये हमने इस पाउडर में मिक्स करना है। ये बायोकेन पपी का पाउडर है, ये इस पाउडर में मिक्स करके इसको इसकी एयर निकालनी है, इसको अच्छे तरीके से शेक करना है। ठीक है, ये देखें बिल्कुल ये लिक्विड बन गया, तो हम इसको सिरिंज में लेंगे। ये 1 ml बनेगी टोटल, ये 1 ml होती है, और ये पूरा ही डोज़ लगता है, चाहे पपी हो चाहे अडल्ट हो, उसकी ये 1 ml की वैक्सीन होती है, ये पूरा डोज़ लगता है इसको। तो ये हमने 1 ml तैयार कर लिया वैक्सीन सिरिंज में, तो ये हम पपी को लगाएंगे। ये लगती है सब कट, ये स्किन और गोश्त के दरमियान में लगती है। बेहतर है कि आप जब भी वैक्सीन करवाएं तो किसी वेट किसी डॉक्टर से करवाएं, ताकि क्योंकि पपी को भी चेक किया जाता है कि इसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इसका टेम्परेचर मेंटेन है, इसको कोई टेम्परेचर तो नहीं है, या मोशन वगैरह तो नहीं हो रहे पपी को, ये सब चीज़ें चेक करने के बाद वैक्सीन होती है। अगर कोई भी या टेम्परेचर है या तो जो है कि मोशन है पपी को, तो वैक्सीन नहीं होगी। पहले पपी हर तरह से फिट होना चाहिए जी। ये हम इसको ये हमने इसको वैक्सीन कर दी और इसको कुछ भी नहीं हुआ जी। ये इसको अब वैक्सीन हो चुकी है, तो आपने देखा कि ये सबकट होती है वैक्सीन, इसको सबकट कहा जाता है, तो हम इसको अब ड्रॉप करेंगे। देखें ये जो है अडल्ट का वैक्सीन है बायोकेन एलआर, ये बायोकेन एलआर लिखा हुआ है, ये इसका लिक्विड है, ये इसका पाउडर है, इसको भी हम उसी तरह जो है कि मिक्स करेंगे और हम ये अडल्ट लोग को करेंगे। तो ये हम छह महीने की मैं फीमेल्स को ये वैक्सीन करूँगा। और व्यूअर्स, मैं एक बात आपको बताता जाऊं कि वैक्सीन डॉग्स के लिए लाजमी होती है,
और वैक्सीन में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग मैंने देखा है कि कहते हैं कि जी वैक्सीन से कुछ नहीं होता, नहीं करनी चाहिए और कर लेंगे, कोई इशू नहीं, अभी नहीं कर रहे, नेक्स्ट मंथ कर लेंगे, नेक्स्ट ईयर कर लेंगे। नहीं, वैक्सीन लाजमी है, टाइम टू टाइम होनी चाहिए जब इनको वैक्सीन की ज़रूरत हो। जो इनका टाइम होता है, जैसे पपी को हम 25 डेज़ के बाद करते हैं और 21 डेज़ के बाद करते हैं, और अडल्ट को हम साल साल में करते रहते हैं, तो इस तरह होनी चाहिए, वैक्सीन लाजमी है डॉग्स के लिए। ये लेकर आए फीमेल यहाँ पर, यहाँ पर लेकर आए, यहाँ पर कैमरामैन यहाँ पर आ जाए आप, ठीक है, आगे से पकड़ें इसको। देखें ये फीमेल है, इसको भी हम उसी तरीके से करेंगे, सब कट इंजेक्शन देंगे, और ये हमने इसको वैक्सीन कर दिए। ये फीमेल को भी हो गई, और इसकी केप कहाँ गई, ये सिरिंज भी यूज़ हो गई है। चले, इसको भी हम ड्रॉप कर देंगे अभी किचरे में। तो अब हम जो है कि नेक्स्ट वैक्सीन नेक्स्ट फीमेल को करेंगे। अब हम लेब्राडोर फीमेल को वैक्सीन करेंगे, उसका भी वही तरीके का आ रहा है, वही वैक्सीन है, बायोकेन एला, वो भी 6 महीने की फ़ीमेल है, तो थोड़ी सी एक्टिव है ज़्यादा, और थोड़ी शरारती है, थोड़ा डिस्टर्ब करेगी वैक्सीन करने में, लेकिन हम वैक्सीन ज़रूर करेंगे उसको। तो ये सिरिंज यूज़ हो चुकी है, ये हम बाद में बाहर जो है कि हम डस्टबिन में ड्रॉप करेंगे। ये भी वही तरीका है, वही लिक्विड है, और ये लिक्विड हम सिरिंज में लेंगे। सब कट, ये वही तरीका है, उसी तरह ये सब कट स्किन में ही लगती है, और इसको भी मज़े से हो गई, चले इसको भी हो गई वैक्सीन। तो ये हमने अपने तीनों डॉग्स को वैक्सीन की, तकरीबन तीनों फीमेल्स हैं, तो तीनों को हमने वैक्सीन कर दी है। और ये मैंने आपको बताया कि दो जो है कि 6-6 महीने की थी, और एक 45 दिन की फ़ीमेल पपी थी, तो उसको हमने बायोकेन पपी की वैक्सीन की, और जो है 6-6 महीने वाले उनको बायोकेन एलआर की वैक्सीन की। तो इसी के साथ साथ मैं आपसे चाहूँगा इजाज़त, और काफ़ी रात हो चुकी है, मैं भी थक चुका हूँ, तो मुझे दीजिए इजाज़त, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक आती रहे। अल्लाह हाफिज़।